मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तानी फौज ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। और ये पहले भी एक दो बार हो चुका है, उन्होंने हमारे जज्बात देखे हैं, वो इसीलिए एकदम हमारी बड़ी इज्जत भी करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानियों की भी इज्जत शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है फिर वो अपने कर... लेकिन जहां तक पाकिस्तानी फौज की इज्जत है इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद वहां पर रहा हूँ डेपुटेशन पे 3 साल तक, वो बड़े उसको कदर की निगाह से देखते हैं। तो असल में ये दुनिया जो है मेरे भाई ये सिर्फ पैसों से तोलने वाली जगह नहीं है, या हमारी जो हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो फौज है, ये बड़े आराम से उनके पैसे को कंपनसेट करके उससे ऊपर वैल्यू इसकी बनती है। सिर्फ ये है कि ऐसी हुकूमत की जरूरत है, ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस जो सरमाया है हमारा इसको समझे और इसके मुताबिक दूसरे मुल्कों से डील करे कि ठीक है आप अगर हमें रियाल देते हैं तो हम भी देखें हम अपना खून देने के लिए भी तैयार है आपके लिए, तो हमारे खून की भी कीमत कोई कम नहीं है जब हम कहते हैं कि हम हर सूरत में सऊदी अरब का दिफा करेंगे। ये एक जज्बा है पाकिस्तानियों का और ये जज्बा काम आता है और ये बहादुरी काम आती है जब जब असल में लड़ाइयां शुरू होती हैं। मैं कोई मिसालें नहीं देना चाहता कि कितने कितने बड़े मुल्क थे, कितनी बड़ी बड़ी फौजें थी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, शर्म आती है क्योंकि हमारे अपने भाई थे, उनका क्या हशर हुआ। और ये सिर्फ पैसे लगाने से, ज्यादा जहाज खरीदने से, ज्यादा आबदोजे खरीदने से फौजें नहीं बनती, फौजें बनती हैं और जज्बों से फौजें बनती हैं, लीडरशिप से, और वो दर्जे आतम अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में मौजूद है, ये पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तानी लीडरशिप को चाहिए कि अपने सरमाए को मनवाए और वो जो हमारी मैन पावर है उनकी इज्जत करवाए ताकि सबको पता चले कि भी हम सिर्फ पैसे को नहीं गिनते और तोलते, और भी चीजें हैं दुनिया में जो इंसान जो कौमों के काम आती हैं।